हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सतीश चंद्र आपका दोस्त आज फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल एडसेंस क्या चीज़ है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था अपना ब्लॉग वाले चैनल पर और उस पर मैंने डाल दिया था गूगल एडसेंस का मेरा जो पिन है वो आ चुका है। तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर गूगल एडसेंस क्या चीज़ है, ये गूगल एडसेंस का ये पिन क्या होता है। जब किसी को गूगल एडसेंस ही नहीं मालूम तो गूगल एडसेंस का पिन कैसे पता लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि आखिर गूगल एडसेंस क्या है, इसका अकाउंट कौन कौन लोग बना सकते हैं, ये गूगल एडसेंस का पिन कब आता है, ये मैंने क्यों वीडियो बना के डाली है, और गूगल एडसेंस कौन लोग बना सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं गूगल एडसेंस को बनाने के लिए, गूगल एडसेंस आखिर है क्या चीज़ें, क्यों बनाया जाता है, क्या ज़रूरत है गूगल एडसेंस की, और ये पिन कब आता है गूगल एडसेंस का। ये सारा जो भी आपका सवाल है, ये जितने भी सवाल हैं वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों यदि आप भी इच्छुक हैं ऑनलाइन अर्निंग की, ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लोग भी पार्ट टाइम ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके बिना आप लोग ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो में, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर गूगल एडसेंस क्या है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा जो गूगल एडसेंस है वो आ चुका है, और ये मैंने देखिए किस प्रकार से इसे अच्छी तरह से रख लिया है, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में एक ही बार गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है और एक ही बार आपका ये पिन आता है घर तक। एक नाम से एक एड्रेस पर केवल एक बार गूगल एडसेंस बनेगा, जिस प्रकार आपका पैन कार्ड है उसी प्रकार से आपका ये गूगल एडसेंस है, ये भी एक ही बार बनता है, एक ही बार आपके घर तक ऐसा लिफाफा आएगा, एक ही बार ये पिन आता है। तो मैंने इसे रख लिया है क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सभी लोगों का नहीं बनता है, ये दोस्तों उन्हीं का बनता है जो ऑनलाइन अर्न करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, या फिर आप लोग वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, या फिर आप लोग वेबसाइट से या फिर कहीं से भी आप लोग ऑनलाइन अर्न करते हैं ब्लॉगिंग करके। ब्लॉगिंग का मतलब आप लोग ब्लॉगर हैं, लिख कर मतलब अर्न करते हैं, तो आप लोग जितना भी अर्न करते हैं यूट्यूब से, ऑनलाइन वेबसाइट से, ऐप से, वो जो कुछ आप अर्न करेंगे वो सारा कुछ अमाउंट जो आएगा वो आपका गूगल एडसेंस में ही आएगा, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। जब तक आपका गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ है तब तक आप लोग ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते हैं। यदि मैंने कहा ना कि आप लोग यदि ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो आपका ये अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका ये अकाउंट नहीं होगा आप लोग ऑनलाइन अर्न नहीं कर सकते हैं, ना ही वेबसाइट से, ना ही ऐप से, और ना ही आप लोग यूट्यूब से। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल से जब मैं ऑनलाइन अर्न करूँगा तो इसी गूगल एडसेंस में पैसे आएंगे, तो उसी का ये पिन आया है। दोस्तों मैंने कहा कि एक ही बार एक इंसान का, एक आदमी का एक ही बार ये बन सकता है गूगल एडसेंस पिन, एक एड्रेस पर एक नाम से केवल एक ही बार आएगा, उसके बाद गूगल एडसेंस पिन दोबारा नहीं बन सकता है। जिस प्रकार से पैन कार्ड आपका एक ही बार बनेगा उसी प्रकार से ये भी गूगल एडसेंस जो है वो एक ही बार बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन अर्न करते हैं उन्हीं का गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है और वही लोग एलिजिबल होते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन अर्न आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, चाहे तो आप वेबसाइट से कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐप से कर सकते हैं, अपना ऐप बना के, गेमिंग का ऐप, कोई भी ऐप अपना बना सकते हैं, उस पर आप अपने ऐड लगा सकते हैं। ऐड लगाने के बाद आपका जो भी अर्निंग होगी वो गूगल एडसेंस अकाउंट में आएगी। गूगल एडसेंस अकाउंट में फिर आपका बैंक का जब ये पिन आ जाएगा, पिन आने के बाद आपके $100 हो जाएंगे, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, वहां पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है और आपके बैंक अकाउंट में जो भी डॉलर होंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो गूगल एडसेंस पिन है तो ये उन्हीं लोगों के लिए वो एलिजिबल हैं जो ऑनलाइन अर्न करते हैं YouTube से, किसी प्रकार से भी ऑनलाइन अर्न करते हैं, तो वही एलिजिबल हैं, वही इसको बना सकते हैं और उन्हीं का बन सकता है, क्योंकि वहां पे वेबसाइट मांगी जाती है कि कोई सी वेबसाइट पे आप वर्क कर रहे हैं या ब्लॉगिंग की, कोई भी वहां पे एक लिंक डालना पड़ता है तभी ये बनता है, वैसे ये नहीं बनता है। यदि बन भी जाएगा तो पहली बार बनेगा ही नहीं, तो आपका ये पिन नहीं आएगा।
जब आपका बनेगा नहीं तो ये पिन नहीं आएगा, क्योंकि जब पिन आएगा फिर आपके जो $100 कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपका बैंक अकाउंट ऐड कर दिया जाएगा और तभी आप इसमें अपना जो अमाउंट है वो इसमें इससे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है और उसके मोनेटाइज होने के बाद मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया। गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद ये मेरा पिन आया, पिन आता है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, तो ये मेरा एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। अब जैसे ही $100 कंप्लीट होंगे वहाँ पे अकाउंट ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों जो भी ऑनलाइन अर्न करते हैं वो दोस्तों उनका ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गूगल एडसेंस अकाउंट क्या है, किस प्रकार से ये बनता है और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।